क्वालिटी आप कैसे? हमारे पास ना ये बॉर्डर एरिया का ताज़ा दूध आता है रोज़। हाँ बिल्कुल खालस, ये नहीं वो टैंकरों वाला नहीं, रोज़ाना इसको चेक करते हैं। रोज़ाना हमने वो दूध का खोया बना के चेक करना है। अच्छा। अब वो जो खोया बनता है उसी खोए से फिर हम बर्फी बना लेते हैं। सही। सिंपल खोया खालस दूध का, और उसमें चीनी है, बादाम है, और बस इसमें ये है कि हम खोया अच्छी तरह ना भून के उसकी नमी ख़त्म कर देते हैं, इससे ये बर्फी बनती है। इसमें चूँकि नमी नहीं होती तो ये 20-25 दिन इसको कुछ भी नहीं होता। या आप बरूने मुल्क भेजें, हमारे काफ़ी ग्राहक आते भी हैं पाकिस्तान से बाहर जाती बहुत ज़्यादा, ये ख़राब नहीं होगी और इसका टेस्ट भी सबसे अलग ही है। कर रहे हैं रगड़े इसको, यार ये इसका बड़ा तरीका है बनाने का। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आमिर नज़ीर ब्लॉग बाय आमिर के साथ, और आज मैं मौजूद हूँ शाहिद मिल्क शॉप जो कि हरबंसपुर मोड़ पे मौजूद है, और यहाँ पे इनकी बर्फ़ी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बर्फ़ी की पूरी मेकिंग बता दिखाते हैं आपको, कैसे बता रहे हैं। देखने सुनने में आया कि ये खालिस दूध की बर्फ़ी बनाते हैं, तो जनाब देखते हैं आए आपको दिखाते हैं कि ये खालिस दूध की बर्फ़ी किस तरह से बनाते हैं। जनाब दूध को जोश आ गए और खोया बड़ी तेज़ी से बना रहे हैं, दूध गाढ़ा हो गया और साथ साथ मुसलसल ये हिलाते रहते हैं। भाई इन्हें मुसलसल ना हिलाए तो जल जाएगा दूध। मुसलसल हिलाना पड़ेगा वरना ये ठंडे लग जाएगा। मुसलसल हिलाना पड़ेगा, का यही काम है कि आप इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे तो फिर आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप ये बना नहीं सकते बर्फ़ी। ये है जी शाहिद मिल्क शॉप हरबंसपुर मोड़, और ये जो नहर पर आप आए, नहर से सीधा वहाँ से ठोकर वाली साइड से फतेहगढ़ या मुगलपुर साइड से, तो आपके लेफ़्ट साइड पे ही आएगी शॉप। काफ़ी बड़ी शॉप है और काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ पर सुबह सुबह दूध जो है आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से इकट्ठा किया जाता है, और दूध भी इसका काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और जनाब साथ ही दूध का खोया बनाते हैं, और खोए से बनाते हैं फिर बर्फ़ी। यानी कि खोए की खालिस बर्फ़ी जो है, ये देखें जी इस फार्म में आ गया, दूध को काट काट के वो इस फार्म में ले आए हैं, और ये बन गया खोया, और ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर उन्होंने खोया बना दिया दूध का। ये कितना खोया बना भाई? डेढ़ किलो। डेढ़ किलो कितना दूध से? पांच बड़ी गड़ियाँ कितनी होती हैं? पांच बड़ी गड़ियाँ यानी कि 1200 ग्राम की गड़ी है, और उससे बना ये डेढ़ किलो खोया। जी जनाब इसके अंदर इकट्ठा कर रहे हैं खोए को, और ये डाल दिए अभी। जी जनाब फिर उन्होंने डाल दी है, जब ये पूरा बर्तन भर जाएगा तो फिर आपको खोया बना दीजिएगा, बर्फी बना के देंगे। जी आप बताइएगा, आप यहाँ शायद मिल्क शॉप से दूध लेने के लिए आएँ, दही लेने के लिए आएँ? मैं रोज़ाना दूध और दही रोज़ सुबह लेके जाता हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से इनका बहुत अच्छा दूध और दही है, मैं डेली इनके पास आता हूँ। ये अब तो मेरे दोस्त का है। अच्छा। तो मैं डेली इनके पास आता हूँ। सही। इस इलाके में इनका बर्फ़ी, रसमलाई, दूध, ये इनका दूध बहुत ठंडा जो बोतल में पैक करते हैं वो बहुत अच्छा दूध है। अच्छा। तो ये इस इलाके में सबसे अच्छे हैं। तो आपको कितना अच्छा कहते हैं यहाँ से दूध लेते हुए? मेरे ख्याल तो जब से इन्होंने दुकान बनाई मैं सुबह का इनका पक्का था। अच्छा माशाल्लाह। मैंने डेली इनके पास सुबह 8:30 बजे आना। सही सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये जनाब अब इसके बाद लकड़ी के साथ जो है ना इसके मसाद के साथ, इसको लकड़ी का जो है ना इसको मसाद कहते हैं, इसके साथ इसको कर रहे हैं रगड़े हैं इसको। यार ये इसका बड़ा तरीका है बनाने का, बड़ा मेहनत वाला काम है ये, बड़ा मुश्किल काम है। ये देखें जी ये
यार ये बन रही है बर्फ़ी, खोए की बर्फ़ी। आप लोग जो खाते हैं वो इतना आसान नहीं होता है वो खोया बनाना। वो जनाब ये सारा तरीकाकार है इसका। ये देखें यार वो बनेगी क्या। देखें यार देखने में जबरदस्त है। गर्मा गर्म बर्फ़ी आज हमने भी यहाँ खा के ना इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे। बहुत मेहनत से बनाई जा रही है। और ये जनाब हो गया कमाल किस्म का सीन। और ये इसके ऊपर डालने हैं ये बादाम। ये बर्फ़ी जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए जी अगर आप लोगों ने इस तरह की स्पेशल बादामों वाली बर्फ़ी खानी है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हरबंसपुरा मोड़ शायद जहाँ से आप बर्फ़ी ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं, घर भी लेके जा सकते हैं, दोस्तों को भी दें। चीज़ आपको देखने में मज़ा आया होगा, मुझे उम्मीद है कि लाजवाब। एक मिनट आइएगा। और ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ी तैयार हो गई है। खालिस दूध के साथ हमारे सामने बर्फ़ी तैयार की गई है। दूध के साथ खोया बनाया है, खोए से बीच में चीनी डाल के बर्फ़ी बनाई है। और ये है जी शाहिद मिल्क शॉप हरबंसपुरा मोड़। तो अगर आप लेना चाहते हैं खालिस बर्फ़ी तो आप आ सकते हैं हरबंसपुरा मोड़ और यहाँ से आपको मिलेगी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ी। आप आएँ अपने बच्चों को लेकर जाएँ, इंशाल्लाह ताला सब लोग बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू। अंदर बर्फ़ी काटी जा रही है तो इसको टेस्ट करके हम आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। यह वाकई बर्फ़ी है कि टेस्टी या बातें बनी हुई हैं। यह देखें जी ये देखें जी बर्फ़ी के पीसेस बनाए जा रहे हैं। आपने काफ़ी सारी जगहों पर बर्फ़ी खाई होगी तो आप ज़रा मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे आएँ तो इनकी बर्फ़ी जरूर टेस्ट कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जनाब बर्फ़ी आ गई है हमारे सामने, काफ़ी अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है। बादाम डाले हुए हैं खोए से और चीनी से, तीन चीज़ें डाली सिर्फ, खोया चीनी और बादाम। ये तीन चीज़ों से बर्फ़ी बड़ी सिंपली सी बनती है। उसको 36 किलो दूध को लेकर से इन्होंने जनाब 6 किलो खोया बनाया और 6 किलो खोए में इन्होंने 2 किलो चीनी डाली है और उसको पहले अच्छे से कोटा लगा के उसको जनाब बना दिए। और जनाब ये देखें यार ये बर्फ़ी, ये देखें यार बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें इसको टेस्ट करते हैं, ज़बरदस्त यार, बहुत ही मज़े की बर्फ़ी, सॉफ्ट और क्रीमी किस्म की बर्फ़ी है। तो आपने पूरे लाहौर में काफ़ी जगहों की बर्फ़ी खाई होगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप यहाँ पर आएँ और बर्फ़ी यहाँ की ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। कोई बात यानी कि कोई मशवरा, कोई किसी किस्म का कोई सजेशन कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी शायद भाई बताइएगा आपको फोकस। जी शायद भाई बताइएगा आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया दुकान आपकी शायद मतलब कब से है? ये कोई 2005 से है। 2005 से जी जी। तो माशाल्लाह कोई आपको 17 साल हो चले हैं इधर दुकान पे। वैसे दूध का काम हम कोई 84 से कर रहे हैं। 84 से? हाँ माशाल्लाह। और मुझे ये बताइएगा आपकी दुकान की टाइमिंग क्या है? सुबह 6:30 खोल लेते हैं, 6:30 रात को फिर 1 बजे तक। 1 बजे और अभी आपके पास आप ये दूध की क्वालिटी आप कैसे? हमारे पास ना ये बॉर्डर एरिया का ताज़ा दूध आता है। रोज़? हाँ बिल्कुल खालस, ये नहीं वो टैंकरों वाला नहीं। रोज़ाना इसको चेक करते हैं, रोज़ाना हमने वो दूध का खोया बना के चेक करना है। अच्छा। अब वो जो खोया बनता है उसी खोए से फिर हम बर्फी बना लेते हैं। सिंपल खोया खालस दूध का और उसमें चीनी है, बादाम है और बस। इसमें ये है कि हम खोया अच्छी तरह ना भून के उसकी नमी ख़त्म कर देते हैं, इससे ये बर्फ़ी बनती है। इसमें चूँकि नमी नहीं होती तो ये 20-25 दिन इसको कुछ भी नहीं होता। अच्छा। ये आप बरूने मुल्क भेजें, हमारे काफ़ी ग्राहक आते भी हैं, पाकिस्तान से बाहर जाती बहुत ज़्यादा,
ये ख़राब नहीं होगी और इसका टेस्ट भी सबसे अलग ही है। बर्फी जी, बर्फी में आप खोए से बर्फी बनती है, उसके ऊपर बादाम डालते हैं। बस खाले दूध से खोया बना, वो भी हमने खुद बनाया, खोया बाहर से नहीं लिया, उसमें चीनी डाली, उसको अच्छी तरह पका के, नमी उसमें बिल्कुल नहीं होती, इसका जायका ही अलग है, और ऊपर बादाम डाले हैं बस। चलिए शायद भाई बहुत शुक्रिया, आप कभी खोया और बादाम का और बर्फी का चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसी क्वालिटी। हाँ ये एक बार चेक करें, ये इंशाल्लाह लाहौर में नंबर वन ही होगी, इससे ऊपर मेरा तो चैलेंज है कि लाहौर में और बर्फी कोई नहीं है। चल जी, चले ठीक है, थैंक यू।